अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मौसम बहुत खूबसूरत है और पिछले एक हफ्ते से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ हुआ है। तो लेकिन खैर, ये बात तो हम लोग शहरों में रहते हैं ना, तो हम लोग बहुत जल्दी से कह देते हैं आज वेदर बड़ा खूबसूरत है, तो आज हम घूमने जाएंगे या कुछ बनाएंगे या कुछ भी, जैसे भी हम लोग इस मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब ये सोचें कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर वो कच्चे होते हैं और जहाँ पानी आ जाता है, तो वो सोच के फिर थोड़ी सी ना वो हो जाती है, टेंशन होती है कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियां और आसानियां पैदा करें और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, तो फिर ये ख्याल भी आता है। तो लेकिन खैर, ऐसा मौसम तो सभी बहुत इंजॉय करते हैं। ये मौसम के साथ तो इंसान के दिल का एक बड़ा ज़बरदस्त सा कनेक्शन होता है। अगर आपका मूड ख़राब भी हो ना, अगर मौसम अच्छा हो तो आप ऑटोमेटिकली ही अच्छे हो जाते हैं। तो जी, आज मैं जा रही थी शक्करपड़ियाँ, तो मैंने कहा अच्छा, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और सुबह में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई है सुबह में इस्लामाबाद में। तो उसके बाद फिर ये था, 2:30 बजे के करीब बारिश थोड़ी स्लो होगी, लेकिन बारिश मसलसल हो रही थी। तो जी, यहाँ मैं I-8 के ब्रिज पे खड़ी हूँ और यहाँ से आपको इस्लामाबाद का वो विजिट करवा रही हूँ। ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो आपको पता है, जो जहाँ दरख्त और ये पौधे वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वो एरिया वैसे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रोड भी इतने नीट एंड क्लीन हुए हुए थे, दरख्त भी बारिश की वजह से धुलकर साफ हुए हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी भी बाहर निकल के हम लोग खड़े हैं, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो मैं बारिश में ही ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, देख लें जरा। और बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। अच्छा, यहाँ पे आके कभी कभी, वैसे भी मैं अक्सर खड़ी हो जाती हूँ उम्र के साथ, कभी बाहर आऊँ, मौसम अच्छा हो, या सर्दियों की धूप हो या शाम का टाइम हो, तो यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत व्यू लगता है। तो बादल देख लें, अभी भी आसमान पे बहुत ज़्यादा गहरे हैं। तो आज मैं जा रही थी शक्करपड़ियाँ, मैंने कहा आज भी लोग हम ना किचन से शुरू करेंगे और ना ही हम घर से किसी भी काम से शुरू करेंगे, आज का व्लॉग डायरेक्ट रोड से शुरू होगा। अच्छा, शोर बहुत ज़्यादा होता है ना वहाँ पे, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ती है। ऊपर से बारिश हो रही थी, फिर जब बारिश होती है तो गाड़ियों का वो, फिर जो सड़क पे चल रही होती हैं तो वो पानी से, और अपना उनका इतना शोर होता है तो वो फिर अपनी आवाज़ से कहीं गुम ही हो जाती है, वो बोला अलग से एक साउंड आ रहा होता है। तो यहाँ जी हम शक्करपड़ियाँ आ गए हैं, इसी रोड से हम शक्करपड़ियाँ जाते हैं। तो यहाँ एक गाड़ी वाले शायद रास्ता थोड़ा सा भूल गए थे, उन्होंने पता नहीं किधर जाना था, तो उमर रुक के उनको रास्ता समझा रहे थे। तो मैंने कहा जी मैं थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरे साथ हो गया बड़ा हादसा, आपको मैं बता नहीं सकती, मैं कितनी परेशान हो गई, बारिश भी हो रही थी और इस रोड पे इतनी ज़्यादा रौनक भी नहीं होती। हर अच्छा, दूसरी बात यह कि आज वर्किंग डे था, वीकेंड नहीं था, उमर ने छुट्टी की हुई थी, तो यहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती भी नहीं है, आती जाती रहती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने अभी, मैं गाड़ी से बता कर उतरी हूँ, तो उसके बाद उमर ने उनको रास्ता समझाया, दरवाज़ा भी गाड़ी का खुला था, तो उमर साहब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो जा रहे हैं, दरवाज़ा भी गाड़ी का खुला है, तो उनको कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि मैं गाड़ी में नहीं हूँ, मैं पीछे से हाथ हिला रही हूँ मुझे भी ले जाए, मुझे भी ले जाए, मैं शोर डाल रही हूँ और रोड पे मैं भागे भागे उनके पीछे जा रही हूँ। खैर, उमर काफ़ी थोड़ा सा आगे चले गए थे, उन्होंने पीछे फ्रंट शीशे से ना पीछे देखा, शीशे से सॉरी, तो मेरा हाथ हिल रहा था, उन्होंने फ़ौरन से गाड़ी रोकी और कहा अम्मी राबे पीछे रह गई है। वो तो गाड़ी में है ही नहीं है। फिर उमर ने पीछे मुड़ के देखा, अम्मी दरवाज़ा भी गाड़ी का खोला, फिर खैर गाड़ी पीछे लेके आए, मैं गाड़ी में बैठी, मैंने कहा अभी मैं आपको बता कर उतरी थी, फिर आप चले गए मुझे छोड़। कहने लगे बस वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं उनको रास्ता समझा रहा था और बस उसी ख्याल में मैं चल पड़ा, मुझे लगा शायद आप गाड़ी में बैठ गई हो, तो शुक्र है मैं बच गई। तो उसके बाद जी ये हम शक्करपड़ियां एंटर हो चुके हैं, ठीक है जी, वो पार्किंग एरिया था जो मैंने आपको दिखाया है। और अब हम जा रहे हैं जी अंदर व्यू की तरफ, इसी साइड पे बहुत खूबसूरत व्यू है और बड़ा ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है, नेशनल पार्क के नाम से आई थिंक।
अच्छा पहले ना इस रोड से गाड़ी सीधा अंदर जाने देते थे, लेकिन अब काफी टाइम से उन्होंने ना ये रास्ता बंद कर दिया। अब आपको यहाँ पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाना पड़ती है और पैदल ही चलकर आपको जाना पड़ता है। और ये इन्होंने दरवाजा लगा कर ना यहाँ से बंद कर दिया। वहाँ सामने से हम लोग आए हैं, इधर से हम लोग अंदर हो गए हैं। और उसके बाद मैं तो वीडियो बना रही थी, लेकिन बारिश मसलसल हल्की 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 लगी हुई थी। हाला उमर और शानजे वो आगे आगे जा रहे हैं। हाला है थोड़ा सा ही आगे गए थे, वो पूरा आगे नहीं गए, वो व्यू तक। उन्होंने कहा कि नहीं बारिश हो रही है तो मुझे बारिश में ना मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, उनको थोड़ा ना होता है। उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, आप मुझे वापस छोड़ आए गाड़ी में। फिर हमने उनको कहा कि आप गाड़ी में कैसे अकेले बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा बस अब जल्दी से एक राउंड लगाकर आ जाना, मैं आप लोगों का गाड़ी में वेट करूंगी। तो यहाँ जी मैं बैठी हुई और शांजे मेरे पास आ गई है। उमर साहब हाला को छोड़ने गए हैं गाड़ी में। तो मैं शांजा को कह रही थी, अच्छा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं शांजा को जोगर पहना के आती या खुद भी पहन कर आती। मुझे ये था बस वैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं, चक्कर लगाएंगे, गाड़ी में ही बारिश हो रही थी तो हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन खैर जब बाहर आए तो उमर ने कहा चले आज मैं आपको ना शक्करपड़ियां लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा विजिट करते हैं, काफी टाइम से मैं भी यहाँ पे नहीं आया। मैंने कहा चले ठीक है। फिर हम लोग वहां के लिए आगे, मैंने कहा आप घर में थोड़ा सा बता देते तो कम से कम मैं और शांता जोगर ही पहन लेते, हम तो घर के जूते पहन के आए हैं, तो पानी भी यहाँ पे है और हमारे जूते भी खराब हो रहे हैं, पाँव भी खराब हो रहे हैं। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मौसम के एंजॉय करें, जूतों की फिक्र नहीं करें, जूता तो एक भी हो तो चल जाता है, सर होने चाहिए। मैंने कहा हाँ ये भी बात आपकी ठीक है। अच्छा ये एक अंकल थे, ये भी छतरी लेके खड़े थे, तस्वीर बना रहे थे। अच्छा ये कह रहे थे अभी से अभी तस्वीर बना लें, 100 रुपए की बनाकर दे रहे थे, और साथ ही उन्होंने आपको डे भी देनी थी। अच्छा जी यहाँ वो बाबा जी खड़े थे, एक ट्रैक उधर को जा रहा था लेकिन हम ये व्यू वाले ट्रैक पे आए थे और इस ट्रैक से हम लोग अंदर जा रहे थे। तो यहाँ देख लें जी ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, इतना खूबसूरत व्यू था और ऊपर से मौसम इतना खूबसूरत था और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना। ऊपर से गर्मी है और वैसे भी बरसात का मौसम है, जब सावन का महीना शुरू होता है और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और हर जगह ग्रीन ग्रीन हो जाती है, ऐसे लगता है सारी जगहों पे ग्रीन चादरें बिछी हुई हैं। तो ये जी नीचे बहुत गहरी खाई भी इसको कह सकते हैं और ये इतना घना जंगल है कि यहाँ ना इतना घना है कि मैं ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रही थी, कोई जमीन भी नजर नहीं आ रही थी, इतना घना है। अच्छा वो देखें बादल बहुत ज्यादा ना पहाड़ों से नीचे आए हुए थे, इतना फोगी फोगी सा वेदर हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। तो ये वो एक जो बाबा जी जहाँ खड़े थे वहां अंदर वाला ट्रैक ये था, हम लोग अंदर वाले ट्रैक से नहीं आए थे, हम लोग बाहरी वाले ट्रैक से ना जा रहे थे। तो हमने कहा अब अंदर क्या हमने जाके करना है, अंदर यही ग्राउंड बने हुए थे और अच्छे प्यारे से पिकनिक पॉइंट बने हुए थे, फैमिलीज आके बैठती हैं एंजॉय करती हैं। लेकिन आज बारिश थी ना तो वीकेंड भी नहीं था, वर्किंग डे था, तो उस वजह से अंदर फैमिलीज वगैरह तो नहीं थे, सब लोग ट्रैक पे ही चल रहे थे। और काफी अच्छा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है और जबरदस्त सा व्यू है। और एक इस साइड से भी सीढ़ियां उतर रही थी, ये पता नहीं किधर को जा रही थी, ये मुझे काफी खतरनाक सी लग रही थी, वो जंगल की तरफ जा रही थी। शान से कहती इधर से चलते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं इधर से नहीं जाना उमर, आप हमें सही रास्ते से लेकर चले। तो लेकिन ये देख लें कितना खूबसूरत मंजर है। अच्छा इस व्यू से खड़े होके ना आपको सारी चीजें नजर आती हैं, रावल डैम भी नजर आता है, पार्लियामेंट हाउस भी नजर आता है और जितने भी सेंट टॉरस वगैरह, बहुत ज्यादा इस्लामाबाद आपको ना यहाँ पे खड़े होके नीचे से सारा नजर आ रहा होता है। काफी अच्छा और जबरदस्त व्यू होता है, काफी इंजॉय आप करते हैं। तो यहाँ पे ना ये कुछ चीजें थी लगी हुई प्लेट्स, इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मुझे उमर से पूछना भी ख्याल नहीं रहा, शायद मैंने पूछा भी है तो वो बारिश की वजह से तेज तेज चल रहे थे और मुझसे कह रहे थे आप भी आ जाए, कैमरा खराब हो गया तो मुझसे नहीं कहना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, तो मैं उनसे पूछ नहीं पाई कि ये क्या है, लेकिन है नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो इनशाला जरूर मैं देखूंगी तो बताऊंगी आपको। अच्छा एक ये फैमिली आई थी पता नहीं कहीं से, तो यहाँ पे ना ये पौधे शौधे लगे हुए तो इनको ना मेथी की खुशबू आ रही थी, तो ये आंटी मुझसे पूछ रही थी यहाँ मेथी लगी हुई है, तो उनका बेटा कह रहा था चलो एक एक दो दो किलो ना हम लोग यहाँ से मेथी उतार लेते हैं। तो मैंने कहा जी यहाँ से मेथी ना उतारें, आप बाहर से खरीद लें, इतना खूबसूरत है, आपने क्यों उसका बेड़ा गर्क करना है, तो मेथी कौन सी इतनी महंगी है, मैंने कहा बाहर से ले लें, ये जुल्म यहाँ ना पार्क में ना करें आके। तो वह हंस रहे थे। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा फवारा भी था और ना इसमें पानी बारिश का था, अपना तो था नहीं, तो
तो अब शांते इसके ऊपर ना चल रही थी, एक इसके साइड पे में ना वो एक बाउंड्री सी बनी हुई थी, शांते उसके ऊपर चल रही थी। उमर मुझे कहने लगा नीचे पानी, आप भी इसके ऊपर से आ जाओ। मैं कहा अच्छा, इसका मतलब है मैं इसके अंदर गिर जाऊँ फिर मुझसे बाहर बिना निकला जाए, पहले आप मुझे वहाँ पर छोड़ आए थे। तो नहीं, एक दिन में ये दो हाथ से मुझसे नहीं बर्दाश्त होंगे, सॉरी मैं आपके साथ ही जाऊंगी, पानी में से गुजर के ही जाऊंगी। अच्छा ये देखें ये चिड़ियाँ कितनी ज़्यादा बोल रही हैं। ये ना हमारे घर में एक बैक साइड है ना पीछे वाले घर की, वहाँ पे थोड़ी सी जगह बनी हुई है, हाउस वगैरह हमने इनको लगा कर दिए हैं, वहाँ पे आई हुई है तो बोल रही हैं। अच्छा ये एक ना मुझे दरख्त बड़ा ही गहरा सा घना सा लगा, मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी जिन का घर हो, इतना खूबसूरत बना हुआ था। मैं बड़ी दूर से इसकी वीडियो बना रही थी, इसके पास नहीं गई थी, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी बारिश मसलसल पिछले एक हफ्ते से ये सिलसिला शुरू है तो कंटिन्यू हो रही है, तो बस थोड़ा सा रुकती है, कभी रात में थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, कभी दिन में, लेकिन फिर शुरू हो जाती है। तो बारिश में ही मैं सब कुछ कर रही थी, और यहाँ से जी हमारा ट्रैक ख़त्म हो जाता है, वहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया, यहाँ पे जो बाहर वाला राउंड बाउट सा उन्होंने बनाया हुआ ना, हमने वहाँ से ट्रैक लिया था, अंदर वाले हम नहीं गए। और उस साइड पे सारी कंटेन्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा कंटेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, और ट्रेन्स वगैरह भी हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा झूले वगैरह भी हैं। और यहाँ पे जी एक छोटा सा पिंजरा उन्होंने बनाया हुआ था, इसके अंदर उन्होंने पिजन वगैरह रखे हुए थे, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा इनको पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है, जबकि नहीं करना चाहिए, आप इनको दाना वगैरह डालें कबूतरों को, तो ये जहाँ भी होते हैं ये रोज़ आपको मिलने आते हैं, इनको पता होता है कि ये लोग हमें दाना डालते हैं तो ये ज़रूर वापस आते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इनको बंद किया हुआ था। बहरहाल यहाँ से जी कंटेन वगैरह के लिए रास्ता जाता है, दूसरी साइड से भी आता है जहाँ पे पार्किंग होती है। तो आज का टूर बड़ा अच्छा लगा, मैंने आपको पूरे शकरपड़ियों की सैर करवा दी है। तो ये आज का छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आएगा। इसके साथ इसी के साथ मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।